हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी के नए चैनल यूपीएससी सीएससी क्वेस्ट पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। जो भी टॉपिक है वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप भी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लासेज मिलेंगी। इन डेमो क्लासेज के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अनअकैडमी पर किस तरह से पढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंगली आप अनअकैडमी पर प्लस और आइकोनिक के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे विष्णु अग्रवाल के नाम से सर्च कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, तो मेरी जितनी भी डेमो क्लासेज हैं, फ्री क्लासेज हैं, वो आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी। जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज हो गई, जनवरी 30 को परसों मेरी क्लास होने वाली है रात को 9 बजे, एथिक्स की स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा, तो उस क्लास का भी आप एक पार्ट बन सकते हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विष्णु अग्रवाल। मैं 19 ईयर्स की एज में सीए कंप्लीट कर लिया था। मैं 2 टाइम्स यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू में अपियर हो चुका हूं और मुझे 4 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो अनअकैडमी पर आपको प्लस और आइकोनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये लाइव क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है, जिनको आप बाद में कितनी भी बार देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आइकोनिक में एक पर्सनल कोच आपको असाइन कर दिए जाएंगे और डेली बेसिस पे आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। नाउ एक सब्सक्रिप्शन में आपको 100 से भी ज्यादा टॉप एजुकेटर सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट को एक से ज्यादा एजुकेटर पढ़ाते हैं। जो भी एजुकेटर आपको पसंद आए उसकी क्लासेज आप ले सकते हैं। जीएस प्लस यहाँ पर काफी चॉइसेस आपको दी गई हैं, जिसमें 1 ईयर और 2 ईयर्स के प्लान्स बेस्ट माने जाते हैं। आप इनमें से कोई सा भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, बट दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स ज्वाइन करें, इस कोड को यूज करना ना भूलें। आपको इमीजिएटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ईएमआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, और पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप इस कोड को यूज करना ना भूलें। आइकोनिक की हम बात करें तो आइकोनिक में 3 प्लान्स आपको दिए गए हैं और इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं जल्दी ही, तो आप इसे ज्वाइन कर ले। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन में आपको अगेन काफी चॉइसेस दी गई है। ये सब्सक्रिप्शन अब अलग कर दिया गया है, तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना हो वो सिर्फ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगेन यहाँ पर 1 ईयर का प्लान सबसे बेस्ट माना जाता है, और जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको 10% के डिस्काउंट के बाद 24,750 रुपीज ही पे करने रहेंगे। अगर हम जीएस और ऑप्शनल दोनों कॉम्बो की बात करें तो कॉम्बो प्लान्स भी आप ले सकते हैं, और इसमें 2 ईयर्स का प्लान सबसे बेस्ट माना जाता है, तो जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को एक साथ कवर कर सकते हैं। कॉम्बैट अनअकैडमी कॉम्बैट एक फ्री क्विज है जो स्टार्ट होने वाली है, तो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस पे आप एनरोल हो जाइए, विष्णु कोड वहां पर आप यूज कीजिएगा, और ये क्विज बिल्कुल फ्री है। और इसका एक फायदा और है, अगर आप टॉप 150 में आते हैं तो आपको रिवार्ड्स भी मिलते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो काफी टैलेंटेड हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ दी फेब से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही आप सब्सक्रिप्शन ले लें। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड विष्णु व्हेनेवर यू ज्वाइन एनी ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ अनअकैडमी। तो आज का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल 50 एमसीक्यूज रहेंगे और हर एमसीक्यू के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग ऑन योर स्क्रीन। याद रखिए, जो भी आपका आंसर हो कमेंट्स में जरूर लिखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना इनमें कौन सा सही है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम सर। तो पहला स्टेटमेंट है मैक्स 4028 इज ए वेराइटी ऑफ राइस। क्या ये राइस की वेराइटी है? बायोफोर्टिफिकेशन इंप्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ फेज। तो प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं उसी फेज में यहाँ पर न्यूट्रिशन में इंप्रूवमेंट होता है, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। तो देखिए, इट इज नॉट अबाउट राइस, इट इज द व्हीट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, किसे कहते हैं हम बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है जब किसी भी प्रोडक्ट की हम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ाते हैं। फूड ग्रेन हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम कंज्यूम करते हैं उसमें जब हम न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राइस है,
उसमें आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आयरन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम, अब जैसे उसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है या कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। तो हमारी कंट्री में जो न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उसे एंश्योर करने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन इज वेरी गुड स्टेप। तो यहां पर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ओके, यहां पर अंकित ने आंसर किया था, आप कोशिश करते रहिए, देखिए कोई ना कोई आंसर आपका सही जरूर होगा। सो इट इज बायोफोर्टिफाइड वीट वेराइटी। ओके, और इसमें देखिए प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिंक, आयरन कंटेंट, ये सब यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। और केवीके कृषि विज्ञान केंद्राज ने यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसके साथ मिलकर मॉल न्यूट्रिशन को दूर करने की बात कही है, और उसमें बायोफोर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। किसी में विटामिन की कमी हो, किसी में मिनरल की कमी हो, तो वो चीजें यहाँ पर पूरी की जा सकती है। आप एक बार इमेजिन कीजिए, जो आंगनवाड़ीज है वहां पर बायोफोर्टिफाइड फूड को अब जो सप्लाई किया जा रहा है, उससे कितने गरीब बच्चों को यहाँ पर हम फूड सप्लाई कर सकते हैं, कितने गरीब बच्चों को यहाँ पर हम न्यूट्रिशन सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY, तो इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम सर, देखिए आपका जो भी आंसर हो कमेंट्स में आप जरूर लिखा करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। तो इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड सर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर केयर कई तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्शियरी। प्राइमरी तो जो सबसे बेसिक हेल्थ हो गई, उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी है जिसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए सेकेंडरी और सर्शियरी केयर हो गई। तो यहाँ पर हर फैमिली के लिए 5 लाख का यहाँ पर इंश्योरेंस रहेगा, इतना खर्चा इस स्कीम के तहत उठाया जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर नॉट कवर्ड अंडर ABPMJY, ये गलत है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज, जो पहले से बीमारियां हैं, वो भी यहाँ पर कवर होंगी। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी उनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये भी सही है। जो BPL का क्राइटेरिया है अब वो छोड़ दिया गया है, जो भी स्कीम्स हैं उनमें गरीबों को, जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अब से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 1 और 3 ओनली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ABPMJAY के बारे में 10.74 करोड़, इतने बेनिफिशियरी फैमिलीज अब इस स्कीम के साथ जुड़ चुकी है, मतलब हमारी कंट्री की आधी पॉपुलेशन इस स्कीम के साथ जुड़ चुकी है। 5 लाख पर फैमिली ऑन फैमिली फ्लोटर बेसिस, मतलब फैमिली में कोई भी व्यक्ति हो उसके इलाज के लिए यहाँ पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, इतना खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा या जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके द्वारा उठाया जाएगा, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज को पहले दिन से ही कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडर एक्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। रेडर एक्स, रेडर एक्स कैन डिटेक्ट अप टू 20 एक्सप्लोजिव फ्रॉम ए स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सप्लोजिव है थोड़ी सी दूर पर, तो उसे डिटेक्ट कर लिया, ताकि मान लीजिए कोई भी टेररिस्ट है, कोई भी व्यक्ति है जो बॉम्ब वगैरह को ले जा रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। सो फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यह डेवलप नहीं किया गया है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये कैसे यहाँ पर साइंटिफिक चीजों को डेवलप करेगी। तो करेक्ट आंसर है सिर्फ 1 ओनली, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन, आप सेकंड स्टेटमेंट को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इट हैज बीन को डेवलप्ड बाय हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, जो DRDO के अंडर आती है, और उसके अलावा
IIS बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा विज्ञानी कार्यक्रम यूवी का, तो इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम सर। तो युविका की अगर हम बात करें, युविका इज ए स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं, इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का मेन आइडिया क्या है? स्पेस साइंसेज के बारे में हम चिल्ड्रन, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, उनको अवगत करवाएं, ताकि एक जो टेम्परामेंट है स्पेस को लेकर, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट से ही स्टार्ट किया जा सके। सो प्रोग्राम इज प्राइमरी एम्ड एट इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंसेज, स्पेस एप्लीकेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट यहाँ पर सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट इज टू ओनली। तो यहाँ पर निवेदिता का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड निवेदिता, आप आंसर करती रहे। तो इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, मेन टारगेट है कैच देम यंग प्रोग्राम। जब बच्चे एकदम से स्कूल लेवल पे हों, उसी समय से उनको हम स्पेस साइंस की तरफ बढ़ाएं, ताकि हमें फ्यूचर में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिल सके। पार्टिसिपेशन, अब पार्टिसिपेशन के लिए देखिए क्या यहाँ पर टारगेट है, 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 3 स्टूडेंट हो गए। 5 एडिशनल सीट ओवरसीज सिटीजन्स के लिए यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड के बेसिस पे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अभी देखिए, COVID-19 के जो सिम्टम्स थे, उन सिम्टम्स में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा चली थी, जैसे किसी को स्मेल नहीं आ रही है, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है। तो अनोस्मिया, इट इज लॉस ऑफ स्मेल, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्यूजिया, इट इज नॉट लॉस ऑफ हियरिंग, इट इज लॉस ऑफ टेस्ट। व्हाट? लॉस ऑफ टेस्ट। तो सिर्फ यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वन ओनली। ओके, तो अनोस्मिया, इट इज लॉस ऑफ स्मेल, एग्यूसिया, इट इज लॉस ऑफ टेस्ट, जो COVID-19 के पॉसिबल मार्कर्स, पॉसिबल फीचर्स माने गए हैं। अनोस्मिया इज फ्रिक्वेंटली कॉज्ड बाय ए स्वेलिंग ऑफ और ब्लॉकेज इन द नोज। जब हमारे नाक में कोई स्वेलिंग हो, ब्लॉकेज हो, उसकी वजह से ये होता है। और अगर हम बात करें एग्यूजिया की, तो इट इज बिकॉज ऑफ हेड ट्रोमा, इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज, ये सब है जिनकी वजह से टेस्ट डिसऑर्डर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज, इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। हंटिंगटन डिजीज इज ए जेनेटिक डिजीज, बिल्कुल सही बात है, और ब्रेन से स्टार्ट होती है, और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर सही है, तो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। अभी ये हंटिंगटन डिजीज न्यूज में क्यों है? क्योंकि फ्रूट फ्लाइज जो है, उनसे, उनके जो HTT डीन है, जब इनको यहाँ पर स्टडी किया गया, तो उनसे यहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिली है, हंटिंगटन डिजीज के बारे में। हंटिंगटन डिजीज क्या होती है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। जब एक व्यक्ति की अपनी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहती, तो दैट इज द हंटिंगटन मूवमेंट, हंटिंगटन डिजीज। ओके,
इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं उनके दो बच्चे हैं तो 50-50 का रेशियो जनरली माना जाता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, हो सकता है चार बच्चों में से तीन के हो जाए, लेकिन नॉर्मली 50-50 का रूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टेल्ड मैकाकू। तो टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। लॉन्ग टेल्ड मकाकूज। लॉन्ग टेल्ड मकाकूज आर द ओनली ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हु यूज स्टोन टूल्स इन देयर डेली फोरेजिंग। तो बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग टेल्ड मकाकू ये यहाँ पर इनमें जो मेल्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोन टूल्स को भी यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? बिल्कुल नहीं, दे आर वल्नरेबल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है। तो यहां पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर इज ओनली ए। ओके, तो स्टडी फ्रॉम IISER मोहाली, इन्होंने यहां पर ग्रेटर निकोबार आइलैंड में इन मकैकूज की स्टडी की है, जिसमें ये पाया गया कि इनमें जो मेल्स हैं दे आर मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व इन दी टूल यूज देन दी फीमेल्स। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल है वो ज्यादा वाइज है, हो सकता है बेचारे हस्बैंड हो, वल्नरेबल है कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इसका मकसद क्या है? जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इनमें से किसी के भी जीन्स में मॉडिफिकेशन किया जाता है तो दैट इज LMO। तो इनकी सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, यूज, ये सब जरूरी है क्योंकि इनसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है, कोई ऐसा जीव ना बन जाए जो दूसरे जीवों को डोमिनेट कर ले, तो ये सब चीजें हैं। इट इज लीगली नॉन बाइंडिंग, बिल्कुल गलत है, ये लीगली बाइंडिंग है। तो यहां पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर इज ए। हिमानी जी का आंसर सही है, वेरी गुड हिमानी जी। तो कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किसका पार्ट है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कन्वेंशन का पार्ट है। तो कल को ऐसा LMO एनवायरमेंट में रिलीज ना हो जाए जो पूरी तरह से और दूसरे स्पेसीज को डोमिनेट कर ले। इसे 2003 में अडॉप्ट किया गया था और 2003 में ये फोर्स में आ गया था। प्रोटोकॉल वाज फाइनलाइज्ड एंड अडॉप्टेड एट द मॉन्ट्रियल कनाडा और यूनैनिमस कंसेंट इसके लिए मिली थी 135 कंट्रीज की। इट इज लीगली बाइंडिंग। और यहां पर अगर हम देखें इसमें क्या क्या कवर नहीं होता, प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम दी LMOs। LMOs तो कवर होंगे, लेकिन अगर LMO से कोई प्रोडक्ट डिराइव हुआ है वो यहां पर कवर नहीं होता। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर LMO को हम फार्मास्यूटिकल्स के रूप में यूज कर रहे हैं जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत असेंशियल है, वो भी यहाँ पर कवर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगण। यक्षगण, तो यहाँ पर थ्री स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन तीनों को देखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। यक्षगण। यक्षगण इज ए ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म। इंडियन मतलब ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म। आपने यक्षा के बारे में सुना होगा, यक्ष, यक्षिणी।
तो जो एंशियंट टाइम में हुआ करते थे उनको प्रेजेंट करने के लिए यह यक्षगण होता है, एक तरह का थिएटर हो गया। तो जो भी यक्ष के आइडियाज है वो सब यहाँ पर पिक्चराइज किए जाते हैं। सो दिस इज करेक्ट। इसे मध्य प्रदेश में नहीं कर्नाटका में डेवलप किया गया है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड यक्षगण इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। भक्ति मूवमेंट के समय पर ही यहाँ पर ग्रेट इन्फ्लुएंस इस यक्षगण का रहा था। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, 1 और 3 ओनली। हिमानी जी का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो वाई न्यूज अराउंड 900 यक्षगण स्क्रिप्ट इंक्लूडेड द वंस प्रिंटेड इन 1905 एंड 1907 हैव नो बीन डिजिटाइज्ड एंड मेड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री। तो जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। और कहां पर? कर्नाटका इन खासारगोड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो उसकी वजह से यह बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है। इट कंबाइंस डांस म्यूजिक डायलॉग कॉस्ट्यूम मेकअप एंड स्टेज टेक्निक्स विथ ए यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म। स्टोरीज क्या होती है, कौन सी स्टोरीज पर यहाँ पर थिएटर में ज्यादा जो प्ले होते हैं वो होते हैं, दैट इज रामायणा महाभारता भगवता एंड अदर हिंदू एपिक्स। इसके अलावा जैन एंड अदर एंशियंट इंडिक ट्रेडिशंस भी यहाँ पर पिक्चराइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन दोनों को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी टू बैन एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहां पर अगर हम देखें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में, तो उसमें एक तो हो गए बायोलॉजिकल, एक हो गए जैसे केमिकल, एक हो गए न्यूक्लियर। तो ये वो ट्रीटी है BWC जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही है। क्या इंडिया यहां पर इसको साइन नहीं किया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंडिया ने बस न्यूक्लियर वाली साइन नहीं की है, बायोलॉजिकल वाली इंडिया साइन कर चुका है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ओके, तो इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी टू बैन एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यहां पर प्रोड्यूसिंग कोई भी वीपन हो उसको प्रोड्यूस करना, उसका स्टॉक रखना, एक्वायर करना, रिटेन करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब चीजें यहां पर इसकी बैन की गई है। इट रिक्वायर्स सिग्नेटरीज टू डिस्ट्रॉय बायोलॉजिकल वीपन। अब मान लीजिए किसी के पास अगर बायोलॉजिकल वीपन्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। अभी ये वीपन न्यूज में क्यों आई थी, COVID-19 की वजह से, क्योंकि ये चीजें सामने आने लगी है कि COVID-19 जैसे एक वायरस है। वैसे हो सकता है काफी कंट्रीज ने इस तरह के वीपन्स को अपने पास स्टोर कर रखा हो, तो एक संभावना यहां पर जताई जा रही है। इंडिया ने इस वीपन को 1974 में ही रेटिफाई कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट एंड सवार विथ रेफरेंस टू मिडाइवल पीरियड। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। तो जाट रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरीमैन ए पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। सवार रैंक फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन एंड सैलरी ड्यू टू हिम। देखिए दोनों स्टेटमेंट रिवर्स हो गए हैं। जाट रैंक तो बताती है किसी भी व्यक्ति का पर्सनल स्टेटस कि उसे नोबेलिटी में क्या स्टेटस मिला है। सवार रैंक बताती है उसे कितने कैवलरीमैन को रखना होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर है नेदर 1 नो 2। ओके, हिमानी जी और रमेश जी दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो जाट रैंक हो गई पर्सनल और सवार रैंक हो गई जहां पर कैवलरीमैन, सवार का यहां पर उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडन जूलियन ओसिलेशन
मेडन जूलियन ओसिलेशन टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम सर, इट क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, जब भी एमजेओ होता है तो वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एक्टिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल नीनो। बिल्कुल गलत, अल नीनो एक अलग फिनोमिना है, एनसो इट इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट फिनोमिना। तो यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर इज ए। रमेश जी का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड रमेश। तो मेडन जूलन ओसिलेशन बेसिकली ये क्या होता है, तो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश करें कि ऐसे मान लीजिए पूरा का पूरा वेदर, जैसे यहाँ पर बादल हो गए, उनके साथ में जो भी मॉइस्चर वगैरह, वो एक साथ ईस्टवर्ड मूव होता है, ठीक है। जबकि जो अल नीनो है उसमें क्या होता है, दैट इज परमानेंट लॉन्ग टर्म फिनोमिना। जबकि यहाँ पर ये जो है एमजेओ, इट इज वेरी शॉर्ट टर्म, ए वीकली फिनोमिना। यहाँ पर एक वीक का ही फर्क रहता है। तो मेडन जूलन ओसिलेशन, इट इज द मेजर फ्लक्चुएशन इन द ट्रॉपिकल वेदर ऑन वीकली टू मंथली टाइम स्केल्स। अनलाइक अनसो, एमजीओ इज ईस्टवर्ड मूविंग डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड्स, प्रेशर, तो अपने साथ में ये सब कुछ ले जाते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल एमजीओ इवेंट विद इन ए सीजन। एक सीजन में जैसे मान लीजिए एक एमजीओ इवेंट हो गया, उसके बाद दूसरा फिर से स्टार्ट हो सकता है, तीसरा फिर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये तो वीकली बेसिस पे है। जबकि एनसो ये पूरे सीजन के लिए रहता है, ये ऐसा नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म वीकली फिनोमिना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो एमजेओ के इंपैक्ट, रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मानसून, अल नीनो, तो इन सब पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम सर, तो पहला स्टेटमेंट वाटर, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बेकमेंट्स, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर, क्या ये यूनियन लिस्ट में आते हैं? नो, दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट के पार्ट है। आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बाहर रखा जाए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। हिमानी जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। तो एज पर आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड हमारी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है और जुडिशियरी को इसके दायरे से बाहर रख सकती है, और अकॉर्डिंगली इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया भी गया है और उसमें कोर्ट को बाहर रखा भी गया है। जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे, दे आर द पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, कोर्ट को, जुडिशियरी को बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि जुडिशियरी में जब भी कोई केस जाता है तो वहां पर एक तो होता है लूजर, एक होता है विनर। तो यहाँ पर जो वाटर की समस्या है, इंटर स्टेट रिवर की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए दोनों स्टेट को विन विन सिचुएशन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कोलेबोरेटिव एफर्ट की जरूरत है, हालांकि वो अभी तक भी एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। रमेश जी का भी आंसर सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक बैग, इसके इम्पैक्ट के बारे में बताना है। टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप, प्रिवेंट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक की वजह से जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए जो एक अनुकूल एनवायरनमेंट है वो नहीं मिल पाता।
हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस भी इससे रिलीज होती है। अगर प्लास्टिक को बर्न किया जाए तो बहुत ही खतरनाक गैसें इससे रिलीज होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। प्लास्टिक बैग अब देखिए सिर्फ धरती तक नहीं है, समुद्र में भी जा चुका है, और बहुत सारी न्यूज आ रही है जिसमें जो समुद्र में रहने वाली जितनी भी जीव है ओशंस में, वो भी यहाँ पर चोक हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लास्टिक बैग्स पे अब कंट्रोल जल्दी से जल्दी लाया जाए। तो ड्यू टू एक्सेसिव प्लास्टिक बैग्स इन द एनवायरमेंट देर आर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स, जैसे सोयल में ये एक्यूमुलेट होते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड को प्रभावित करते हैं, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस के नाम आप याद कर लीजिएगा, फोस्जीन, डायोक्सिन, अदर पॉइजनस क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और यहाँ पर हिमानी जी का और रमेश जी का दोनों का ही आंसर सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। तो देखिए इम्पीचमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक चीज दी गई है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ए, टू ओनली। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी और कोई ग्राउंड नहीं दिया गया है और ना ही ये समझाया गया है व्हाट इज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 56। अगर इसमें हम देखें तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है फॉर द वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So this is the only condition given in our constitution. Next question, Treaty of Yendabo. Treaty of Yendabo, two statements दिए गए हैं and your time starts now. ओके टाइम सर। तो ट्रीटी ऑफ यंदाबो की अगर हम बात करें, इट वाज द पीस ट्रीटी आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। बिल्कुल सही बात है। देखिए बर्मा पर जब बर्मा और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसमें अंग्रेज जीत गए थे और वो नहीं चाहते थे कि जो बर्मा है प्रेजेंट द म्यांमार उसका किसी भी तरह हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे इन्फ्लुएंस हो। तो यह ट्रीटी वहां पर साइन की गई थी। मणिपुर, अराकान, तेनिन थाई वर सीडेड टू द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो ट्रीटी ऑफ यंदाबो यहाँ पर रिलेटेड है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार से। कब साइन हुई थी? अराउंड 1826 में। ट्रीटी में क्या क्या मेन आस्पेक्ट थे? ये एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ एवा जो यहाँ पर बर्मा की कैपिटल थी उसके बीच में साइन हुआ था। आसाम, मणिपुर, अराकान, तेनथाई ये सब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए गए थे। उसमें जो आसाम था उसमें मॉडर्न डे मेघालय ये सब भी इन्वॉल्व थे, जुड़े हुए थे। बर्मीज को यहाँ पर इंटरफेरेंस, जयंतिया हिल्स, काछार किंगडम इन सब में रोकना था, अपना जो भी इंटरफेरेंस था वो एंड करना था। इंडेमनिटी देनी पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 मिलियन पाउंड्स की कि आपकी वजह से युद्ध हुआ उसका हर्जाना दीजिए। बर्मीज एग्री टू अलाउ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द ब्रिटिश, तो यहाँ पर इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए इसे अपॉइंट किया गया। और फाइनली एक कॉमर्शियल ट्रीटी भी साइन की गई ताकि बर्मा से ब्रिटिश का जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है वो चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड ऑफ मनी। तो इनमें से डिमांड ऑफ मनी से रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। तो डिमांड ऑफ मनी,
डिमांड ऑफ मनी फर्स्ट राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड ऑफ मनी, बिल्कुल सही बात है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी मनी की। हायर इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो मनी की डिमांड कम होती है, बढ़ती नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से आप देखिए, अगर बैंक में हायर इंटरेस्ट रेट मिल रही है सेविंग्स पे, फिक्स डिपॉजिट पे, तो लोग वहां पर जमा करा देंगे पैसा, दूसरी तरफ लोन जो मिलेगा वो हायर रेट पे मिलेगा तो लोग वहां पर लोन नहीं लेंगे। तो यहां पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, तो डिमांड फॉर मनी, डिमांड और सप्लाई जो भी फैक्टर्स है वो देखिए कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से यहां पर रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं की जाती, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स यस, तो 1, 2 एंड 4, तो करेक्ट आंसर हो गया डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर अगर हम देखें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इट इज द पब्लिकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। ओके, अब बाकी की देखिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट एंड सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर ग्लोबल वर्ड आप देख सकते हैं, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, वर्ल्ड वर्ड कहीं भी नहीं आएगा, तो वर्ल्ड वर्ड जहां भी होगा वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता उद्यमी योजना। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन दोनों को देखिए और आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऐसा नहीं है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका एम क्या है, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाना, आपने मैनुअल स्कावेंजर सुने होंगे तो उनको रिहेबिलिटेट करना, सैनिटेशन को प्रमोट करना, तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो इनकरेक्ट है ए, दैट इज वन ओनली। ओके, तो दी स्वच्छता उद्यमी योजना, इट एक्सटेंड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ पे एंड यूज कम्युनिटी टॉयलेट्स ऑन दी पीपीपी मोड। ओके, और किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये आता है। जो सफाई कर्मचारी है, मैनुअल स्कावेंजर्स है, उनके लिए यह काम करता है, यह इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फिशरीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020, इंडिया हार्वेस्टेड 13.41 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फिश, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, टोटल फिश हार्वेस्टेड ड्यूरिंग 2018-19, तो मरीन फिशरीज इनलैंड फिशरीज के कंपेयर में ज्यादा है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। देखिए इनलैंड फिशरीज तो जगह जगह पर होती है और इसकी क्वांटिटी कंपेयर टू दी मरीन फिशरी बहुत ज्यादा है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर करेक्ट है वन ओनली।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो पहला पॉइंट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसे क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया है? बिल्कुल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है? बिल्कुल सही। बेसिकली देखिए, पहली स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी रूरल यूथ है उसे स्किल दी जाए, उसे एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर टारगेट किया गया है, स्किल डेवलपमेंट को टारगेट किया गया है। दूसरी स्कीम का टारगेट क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। तो यहाँ पर अराउंड 300 क्लस्टर्स होंगे, ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ गंगा इज रिलेटेड टू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो देखिए अर्थ गंगा क्या है, उससे पहले हिमानी जी का कहना है कि सर क्या आपकी क्लास डेली लेते हैं? तो देखिए आप, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अंडरस्कोर विष्णु, उस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरी जो भी क्लासेस होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये चैनल क्वेस्ट ये जल्दी ही बंद हो सकता है, तो प्लीज़ यहाँ पर जो भी वीडियोज हैं उनको आप देखें, शेयर करें, उन पर कमेंट्स करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ गंगा, नाउ व्हाट इज अर्थ गंगा? इट इज रिलेटेड टू एनर्जाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द गंगा रिवर बैंक। तो गंगा रिवर बैंक, अगर गंगा को क्लीन रखना है तो उसे उसे किसी ना किसी तरह सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल के साथ जोड़ना होगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल के साथ जोड़ा जाएगा, तो जो भी रूरल एरिया के लोग हैं वो स्कीम के साथ जुड़े रहेंगे, तो ताकि वो गंगा को साफ करने में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर एंश्योर हो सकेगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, तो अर्थ गंगा प्रोजेक्ट हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड टू एनर्जाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द गंगा रिवर बैंक। लोकल कम्युनिटीज को यहां पर इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट, कृषि उड़ान स्कीम। तो टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। कृषि उड़ान स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बिल्कुल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा यह लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको ट्रांसफर करना, ये बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पर सिविल एविएशन को यूज किया जाएगा, जो भी फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस को समय पर मार्केट पे पहुंचाया जा सके, ताकि जो प्रोडक्ट है, जो कई बार पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट में लंबे समय लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन्हें बचाया जा सके। तो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज टू ओनली। ओके, तो द बजट 2020-21 इसने यहाँ पर कृषि उड़ान स्कीम को प्रपोज किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नेशनल और इंटरनेशनल एयर रूट्स पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयर रूट्स पे भी इसका सपोर्ट होगा।
मतलब इंटरनेशनली अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो भी यहाँ पर किया जाएगा। स्कीम विल असिस्ट द फार्मर्स विथ मोर फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पे स्पेशल फोकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो पहला स्टेटमेंट, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 24.56% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन, देखिए NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके तहत टोटल 8 मिशंस हैं और उनमें से एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फॉरेस्ट कवर है उसे बढ़ाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो इसका मेन टारगेट क्या है, इंडिया में 5 मिलियन हेक्टेयर, इतना यहाँ पर हेक्टेयर, इतना तो फॉरेस्ट कवर कवर बढ़े और 5 मिलियन हेक्टेयर, इतने फॉरेस्ट की क्वालिटी बढ़े। क्वालिटी बढ़ने का मतलब है जैसे जो डेंसिटी है और जो क्वालिटी ऑफ ट्रीज है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ वन एंड टू। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इट इज 24.56% ग्रीन इंडिया मिशन, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में और देख लीजिए। द मिशन हैज द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं, 5+5 हो गया एक तरह से। द मिशन आल्सो फोकसेस ऑन मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडायवर्सिटी, वाटर, बायोमास, अलोंग विथ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज लाइक फ्यूल, फोडर, टिम्बर, नॉन टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। और मिशन मोड में रहेगा। मिशन मोड का मतलब क्या होता है, जहां पर एक टारगेट सेट कर दिया गया हो और उस टारगेट को अचीव करना है, उसे हम कहते हैं मिशन मोड। तो इट इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। तो टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम सर। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, NCSTC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। बिल्कुल सही है। और जो 2019 का एडिशन था उसका मेन थीम था साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर क्लीन ग्रीन हेल्दी नेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है और हमें बताना है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है। तो नेदर वन नोर टू इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्काईज ट्रीटी। टू स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो ओपन स्काईज ट्रीटी की अगर हम बात करें, ओनली मेंबर्स ऑफ द नाटो अलायंस कैन ज्वाइन द ट्रीटी। देखिए, नाटो अलायंस के मेंबर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वार्सो पैक्ट जो है, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के जो डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज हैं वो भी यहां पर इसके पार्ट बन सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम रशिया। और तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रीटी बिल्कुल सही है, स्पाई और एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक सस्पिशन यूएसएसआर ग्रुप और यहाँ पर यूएसए और उनके अलाइज के बीच में, नाटो के बीच में डेवलप हो चुका था, तो
तो सस्पिशन को दूर करने के लिए यह ट्रीटी बनाई गई ताकि कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर स्पाई कर सके विद दी कंसेंट, ताकि ये यहां पर एक तसल्ली हो सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। तो यहां पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू ओनली। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे विड्रॉ किया था, इस वजह से ये न्यूज में रही थी। ओपन स्काइज ट्रीटी सबसे पहली बार इसे 1955 में प्रपोज किया गया था, ठीक है, टू डी एस्केलेट टेंशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। 1992 में नाटो मेंबर्स और फॉर्मर वार्सो पैक्ट कंट्रीज सोवियत यूनियन के डिमाइस होने के बाद इन्होंने इसे ज्वाइन किया था ताकि जो आपस में एक सस्पिशन है उसे दूर किया जा सके। 2002 में ये इफेक्ट में आई थी। एट प्रेजेंट 35 इसके सिग्नेटरीज हैं। ओपन स्काइज ट्रीटी यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं उनको परमिट करती है कि वो एक दूसरे की टेरिटरीज में जाके स्पाई कर सके, चीजों को चेक कर सके विद द परमिशन विद द कंसेंट। एंड अंडर द ट्रीटी ए मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विद द लेटर्स कंसेंट। एम्स टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड फेमिलियरिटी अमंग द स्टेट पार्टीज ताकि जो सस्पिशन है वो दूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। 25th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी ऑफ यूएनएफसीसी मैड्रिड में हुई थी, बिल्कुल सही है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी मीटिंग होती है, एक तो करंट ईयर की, एक अपकमिंग ईयर की, एक प्रीवियस ईयर की, ये तीनों आप हमेशा याद रखा कीजिए कहाँ पर हो रही है, व्हाट इज द लोकेशन। तो ये बिल्कुल सही है, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 14 सीओपी, ये न्यूयॉर्क में हुई थी, बिल्कुल गलत, ये हुई थी न्यू दिल्ली में, इंडिया में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है, दूसरा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, तो इससे रिलेटेड टू स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो इंटरनल कार्बन प्राइसिंग व्हाट इज दिस, जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर कई बार क्या होता है, कोई कंपनी बन गई, कोई फैक्ट्री बन गई, वो जब एनवायरनमेंट के अगेंस्ट होती है तो पहली चीज तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है, दूसरा मान लीजिए अगर उस कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के काफी प्लांट इसी वजह से बंद हुए थे। तो यहां पर अब कंपनीज ने भी स्टार्ट कर दिया है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट वो लेकर आती है तो पहले वो ये चेक कर लेती है कि उसकी वजह से कोई एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है या ऐसी कोई रिस्क तो नहीं इन्वॉल्व है। तो दैट इज इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, जो भी कार्बन, जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसकी प्राइस को भी वहां पर प्रोजेक्ट इवोल्यूशन में जोड़ा जाता है। तो इट इज ए वैल्यू दैट कंपनीज वॉलंटरीली सेट फॉर देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू इंटरनलाइज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं उनको एमिशन रिडक्शन टारगेट अचीव करने में मदद करती है, लेकिन हमें बताना है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ना ही तो एक है ना ही दो है, तो करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड हिमानी जी एंड रमेश, दोनों का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन विमन, तो यूएन विमन से रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन दोनों को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप. तो यूएन वीमन इट इज एन एंटिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्किंग फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमन. बिल्कुल सही बात है और सिंपल स्टेटमेंट है एकदम से. लेकिन क्या इंडियन ओरिजिन अनीता भाटिया को पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? एब्सोल्युटली नो. तो करेक्ट आंसर इज वन ओनली. पहला प्रेसिडेंट कौन थी? चिली की थी मिशेल बैचलेट, जो जनवरी 2011 में इसकी पहली प्रेसिडेंट बनी थी. तो फिर अनीता भाटिया क्यों न्यूज में है? तो अनीता भाटिया जी यहाँ पर जून 2019 में डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी यूएन वीमन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई पॉलिसी इन मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. 49% एफडीआई इज अलाउड इन दिस सेक्टर विच प्रोहिबिट्स ओवरसीज ओनरशिप. इट इज नॉट 49, इट इज 51. पॉलिसी रिक्वायर्स मैंडेटरी सोर्सिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एमएसएमईज एंड इन्वेस्टमेंट इन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो देखिए यहाँ पर जो भी मल्टी ब्रांड रिटेल पॉलिसी है उसके तहत जो भी यहाँ पर फॉरेन कंपनीज आएंगी उनको एमएसएमई से मैंडेटरीली गुड्स खरीदना होगा और बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको इन्वेस्ट करना होगा. तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है. करेक्ट आंसर इज बी. तो इंडिया परमिट्स एफडीआई इन द मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर विथ ए कैप ऑफ 51% ओनरशिप बाय द ओवरसीज प्लेयर्स. 30% एमएसएमई से प्रोक्योर करना कंपलसरी है और 50% जो भी एफडीआई आ रहा है उसका बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा विद इन द 3 ईयर्स ऑफ फर्स्ट ट्रांच ऑफ द एफडीआई. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. तो यहाँ पर फॉरेन कंपनीज आ भी सकती हैं और उनके आने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नज थ्योरी जिसके लिए यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. तो इसे देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए. और टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. नज थ्योरी इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल विच एनकरेजेस पीपल टू मेक डिसीजंस. बिल्कुल सही है. यहाँ पर ये देखिए एक सबसे बड़ी चीज है, आपने लोगों के घरों में टॉयलेट बना दिया लेकिन उसके बावजूद भी उसे यूज नहीं कर रहे हैं. लोगों के बैंक में अकाउंट ओपन करवा दिए फिर भी वो उनको यूज नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर बिहेवियरल चेंज की जरूरत है. सबसे लेटेस्ट आप देख सकते हैं जैसे पंजाब हरियाणा में जिस बायोमास बर्न किया जा रहा था तो स्टबल बर्न हो रहा था, तो वहां पर बिहेवियरल चेंज की जरूरत है. तो ये नज थ्योरी यही कहती है कि लोगों को आप ऐसा डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट कीजिए, बिहेवियरल चेंज लेकर आइए. बिल्कुल सही है. इट टॉक्स अबाउट पेनलाइजिंग, नो ये बिहेवियरल चेंज की बात करती है, पेनल्टीज की बात नहीं कर रही है. एंड द स्लोगन ऑफ बलदेव, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये बिल्कुल यहां पर इसी के द्वारा इंस्पायर्ड है. तो करेक्ट आंसर है 1 एंड 3 ओनली. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, जैसे स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, गिव इट अप, एलपीजी सब्सिडी, टैक्स इवेजन टू टैक्स कंप्लायंस, ये सब चीजें हो गई जिसके लिए लोगों को आप एनकरेज करें. दैट इज द नज थ्योरी. और नोबेल इनको मिला था रिचर्ड थालेर को, तो इनको यहां पर इसके लिए, इस नज थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेज किससे एसोसिएटेड है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. एफआरपी इट इज रिलेटेड टू सुगर केन. बी देखिए, एक तो होती है एमएसपी, एक होती है एफआरपी.
एमएसपी में क्या होता है, कोई भी गुड्स होता है उसे एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाता है और हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसे स्टोर करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी गरीब लोग हैं उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत या गवर्नमेंट की किसी और स्कीम के तहत। अब एफआरपी सुगर केन के लिए क्यों जरूरी है, जैसे ही सुगर केन कटता है इमीजिएटली अगर उसे फैक्ट्रीज में नहीं भेजा गया, इमीजिएटली अगर उसे फैक्ट्रीज में नहीं भेजा गया तो फिर वहां पर सुगर केन का वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है, एक लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सुगर केन एफएसआई के पास, एफसीआई के पास जाएगा फिर लोगों में बटेगा, तब तक तो वो नष्ट ही हो जाएगा, उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जो फार्मर्स हैं उनको एक फैसिलिटी दी गई है, वो डायरेक्टली मिल ओनर्स के पास जाएंगे अपने सुगर केन को लेकर, और गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी है जिसपे इन मिल ओनर्स को सुगर केन खरीदना पड़ेगा। तो दैट इज दी एफआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू। तो यहां पर हम देखें श्योर, तो श्योर का है फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री आपने सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में, फैशन इंडस्ट्री बेसिकली यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट होता है, इस इंडस्ट्री का भी कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस यहां पर अडॉप्ट की जाएंगी, दैट इज श्योर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। ओके, तो प्रोजेक्ट श्योर टॉक्स अबाउट द सस्टेनेबल फैशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू ए क्लीन एनवायरनमेंट। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, खुद स्मृति ईरानी जी आई थी इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए, और यहां पर सीएमआईए जो फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रुप हो गया वो यहां पर यूनाइटेड नेशन के साथ, आईएमजी लाइंस के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने में भागीदार बना था। फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव है हेल्प द इंडस्ट्री reduce its carbon emissions, increase resource efficiency, tackle waste and water management and create positive social impact to achieve long-term sustainability target. तो main objective यही है कि fashion industry का carbon footprint कम से कम किया जाए। Next question, Meghraj. What is Meghraj? Your time starts now. ओके, टाइम सर, देखिए क्लाउड सीडिंग तो क्या होता है जिससे बरसात हो सके, बट इट इज नॉट क्लाउड सीडिंग, इट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल जैसे डाटा का बहुत बड़ा रोल है तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पे ही डाटा स्टोर किया जाए, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ये सर्विसेज हमारी इंप्रूव हो, ई गवर्नेंस इंप्रूव हो, उसके लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। तो ना ही तो वन सही है ना ही टू सही है। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग से ये रिलेटेड है मेघराज, और सिटीजंस को जो भी ई सर्विसेज मिल रही है वो बेहतर तरीके से मिले इसके लिए यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस के रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन दोनों को देखिए और आंसर कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स ऑफ, यहाँ पर अनन्या गोयल जी का कहना है कि क्या मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, बिल्कुल रीड कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है यहाँ पर 20 सेकंड्स का लैग है, जब आपका जो आंसर आ रहा है उसमें 20 सेकंड्स का लैग है, इस वजह से मैं उसका तुरंत आंसर उससे तुरंत नहीं देख पा रहा। तो वायरस की हम बात करें, वायरस आर डेड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो है डेड,
एक है इनएक्टिव। इन दोनों में डिफरेंस होता है, डेड और इनएक्टिव। वायरस होते हैं इनएक्टिव, जैसे ही इनको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म मिल जाता है ये एक्टिव हो जाते हैं। तो ये होस्ट पर निर्भर करते हैं, होस्ट में जाकर ये अपने आप को फीड करते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू ओनली। तो वायरसेज आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड डेड बीइंग्स, दे आर मच टीनियर देन द बैक्टीरिया, बहुत छोटे होते हैं वायरस, इनको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। वायरस इज ए स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड, इधर डीएनए और आरएनए, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोड। कोविड 19 भी एक तरह का वायरस था, तो जिसकी वजह से वायरस बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए हैं। ए वायरस कैन नॉट रेप्लीकेट अलोन, इसे एक होस्ट बॉडी चाहिए, उसकी सेल्स में जाकर ही अपने आप को रेप्लीकेट करते हैं और जो होस्ट सेल है धीरे धीरे उसे किल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इनिशिएटिव्स आपको दिए गए हैं, इन दोनों को देखिए और आंसर कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Niksha, a web-enabled patient management system for TB control. अब देखिए TB की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने किसी पेशेंट को दवाई दे दी, जैसे let's say 6 month की आपने दवाई दी है, वो 3 महीने बाद सही हो जाएगा अगर उसके बाद उसने उस दवाई को रोक दिया, तो फिर उसके वो TB फिर से आ सकती है और वो TB ऐसी आएगी कि फिर से क्योर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो भी हो सकता है। तो इसलिए एक पेशेंट को ट्रेस करना जरूरी है कि वो अपने पूरे कोर्स को ले। ऐसे ही प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, चाइल्ड केयर के दौरान, जो भी नेसेसरी थिंग्स या नेसेसरी केयर यहाँ पर एक मदर और चाइल्ड को चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए भी उनको ट्रेस करना जरूरी है। तो उसके लिए किलकारी लॉन्च किया गया है। दोनों ही इनिशिएटिव बिल्कुल, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है और इनिशिएटिव भी अच्छे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेस करना, गाइड करना, तो एक तरह से ये फ्रेंड का काम करती है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर। ओके, तो किलकारी डिलीवर्स फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट 72 ऑडियो मैसेजेस। तो ये 72 ऑडियो मैसेजेस एक फ्रीक्वेंसी के साथ मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम कि अब क्या करना है, अब क्या होना चाहिए। ऐसे ही निक्षय हो गया जो टीबी कंट्रोल के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड MCMC प्रोग्राम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Times up. NCMC, it has been initiated by Unified Metropolitan Transport Authority, UMTA. क्या ये सही है? नहीं, इसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड होम अफेयर्स, इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है, इनिशिएट किया गया है। NCMC is an open looped card, which means customer may use the same card for travel across the country. बिल्कुल सही बात है। देखिए आज क्या होता है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने रिक्शा लिया, फिर आपने कोई और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म लिया, आपने मेट्रो यूज की, आपने कोई कार यूज की, उबर ओला की, तो इस तरह से आप जब अलग अलग सिस्टम को यूज करते हैं तो उसमें पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में बहुत दिक्कत आती है, कई बार लाइंस में भी खड़ा रहना पड़ता है, तो वो सब समस्याएं नहीं रहे। पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने के लिए यह लॉन्च किया गया। और सबसे अच्छी बात क्या है, ट्रांसपोर्ट के अलावा रिटेल शॉपिंग भी, परचेजेस भी इस कार्ड के द्वारा किए जा सकेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY, 3 statements दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। तो प्रधानमंत्री वे वंदना योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी वृद्ध लोग हैं उनको एक निश्चित पेंशन मिलती रहे, इट इज लाइक ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब यहाँ पर ये पेंशन कैसे मिलेगी? पहले तो जो वृद्ध लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद में उनको ये एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ओवर द पीरियड मिलती रहेगी। PMVVY इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट ऑफर्स ए गारंटीड पे आउट ऑफ पेंशन, बिल्कुल सही है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इट इज द सोल ऑपरेटर, ये भी सही है, लेकिन मिनिमम एज 40 ईयर्स नहीं है, 60 ईयर्स। सीनियर सिटीजन की एज क्या है? 60 ईयर्स। तो यहां पर सिर्फ वन एंड टू, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये स्कीम सक्सेसफुल रही है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इसे मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है। PMVVY इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, जो यहाँ पर उनको एक अश्योर्ड मिनिमम पेंशन प्रोवाइड करवाती है। LIC ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ऑपरेट द स्कीम। LIC ऑफ इंडिया को सिर्फ ये इकलौती कंपनी है जो इसे ऑपरेट कर रही है। सब्सक्राइबर मस्ट बी ए सीनियर सिटीजन, 60 ईयर से अबव का एक सब्सक्राइबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख, 10 साल तक के लिए पॉलिसी रहेगी। सब्सक्राइबर मिनिमम पेंशन 1000, मैक्सिमम पेंशन 10,000 तक यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन को यहाँ पर लोन की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पर वो लोन भी ले सकते हैं ऑन दी गारंटी ऑफ दिस स्कीम। सहयाद्री मेघा, टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सहयाद्री मेघा, टाइम्स अप। सहयाद्री मेघा, इट इज ए वेराइटी ऑफ पेडी, बिल्कुल सही बात है। इट इज रेजिस्टेंस टू ब्लास्ट डिजीज, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर सही है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड टू। तो सहयाद्री मेघा की हम बात करें, इट इज टू प्रिवेंट डिक्लाइन इन एरिया अंडर द पेडी कल्टीवेशन। पेडी कल्टीवेशन में यहाँ पर जो एरिया डिक्लाइन में आ रहा है उसे रोकने के लिए शिव मोघा यहाँ पर ये वेराइटी डेवलप की गई है। ब्लास्ट डिजीज जो होती है, जो जिसकी वजह से ये पेडी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसके लिए यहाँ पर इस नई वैरायटी को डेवलप किया गया है। इसमें जो राइस आएंगे दे विल बी ऑफ रेड वैरायटी, और जो रेड वैरायटी के राइस हैं वो यहाँ पर न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। ओके, सहयाद्री मेगा इज डेवलप्ड अंडर दी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योति वेरायटी एंड अकालू वेरायटी। तो यहाँ पर जो इंडिजिनस वेराइटीज हैं अच्छी अच्छी उनको मिक्स करके यह वेरायटी डेवलप की गई है। प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, 12.48, एंड ऑल्सो द यील्ड पर हेक्टेयर फ्रॉम इट इज अराउंड 65 क्विंटल्स। तो यहाँ पर यील्ड भी बहुत ज्यादा है। डिजीज रेजिस्टेंस ये डिजीज हो ये वेराइटी हो गई है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टेचरी बॉडी अंडर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। CCI एक स्टेचरी बॉडी तो है, लेकिन इसे एस्टैब्लिश किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। किसके अंडर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, 2002, इस एक्ट के अंदर, ना कि MRTP एक्ट के अंदर। देखिए, पहले भी एक एक्ट था जिसमें मोनोपोलीज को रोका जाता था, अब एक एक्ट है जिसमें कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है। दोनों में हालांकि आप देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इट इज चेंज ऑफ द अप्रोच। पहले जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसे डेवलप नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि उसकी मोनोपोली हो सकती है। अब जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उनको एनकरेज किया जाता है, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जिससे मोनोपोली हो सकती है तो उस पर लगाम लगाई जाती है। तो एंटी ट्रस्ट लॉज, दैट इज एंटी कंपटीशन लॉज। एंटी कंपटीशन, जैसे अभी गूगल का इशू चल रहा है,
तो इन सबसे यही डील करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज टू ओनली। ओके, ये न्यूज में क्यों था? अभी गूगल पे काफी चीजें चल रही है, गूगल बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसने यहाँ पर गूगल पे को प्रमोट करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेज अपनाई है, तो जिसके लिए यहाँ पर इसका केस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आया है और CCI को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। इसके मेन ड्यूटी क्या है? CCI की मेन ड्यूटीज आप देख लीजिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। टू प्रोहिबिट द एग्रीमेंट्स और प्रैक्टिसेस दैट हैव और लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। जैसे आइडिया और वोडाफोन, जब इन दोनों का मर्जर हुआ था, ऐसे ही मान लीजिए कोई एग्रीमेंट होता है जिससे कि मोनोपोली बन सकती है, एक पर्टिकुलर कंपनी डोमिनेट हो सकती है, तो उसे भी ये चेक करती है। किसी कंपनी ने अपने डोमिनेंस को अब्यूज किया है, जैसे गूगल है, सर्च इंजन के नाम पे ये डोमिनेट है, तो इसने अगर अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है तो उसे भी ये चेक कर सकती है। कोई भी एक्विजिशन, मर्जर, अमल कमीशन, सब इसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टी। तो टी के लिए यहां पर टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन दोनों को देखिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो टी की हम बात करें, फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2020। बिल्कुल सही बात है, पहला इंटरनेशनल टी डे 2020 में सेलिब्रेट किया गया था। टी को हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, ये भी सही है। तो यहां पर दोनों ही सही है, बोथ वन एंड टू। तो फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ द मे, और इसके लिए यहां पर प्रपोजल दिया गया था इंडिया के द्वारा एट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, और इन फेवर ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ टी। टी का यहाँ पर सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो। अब टी के लिए क्या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है? टी कैन बी ग्रोन फ्रॉम ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। आप इसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सब जगह इसे यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे रेनफॉल की जरूरत होती है। जो स्टेप्ड एग्रीकल्चर है वो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, पानी ज्यादा हो लेकिन एक जगह इकट्ठा ना हो। ओके, मेन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर चाहिए 18 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। टी नीड्स हैवी रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंट शोवर्स विदाउट एक्सटेंडेड फ्रीजिंग पीरियड इन द विंटर्स। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल की इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा रेन शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि एक बार तेज बरसात हो गई, एक बार कम हो गई। यहाँ पर रेन थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ड्राई स्पेल है, एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल 3-4 महीने का, तो वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। तो यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP और उसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ए का सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME। तो इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम साहब, तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम फॉर एफएमई एम्स टू इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये यहाँ पर क्या ये स्कीम यहाँ पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के फाइनेंस करने के लिए है? बिल्कुल सही है। स्कीम फॉर एफएमई इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखिए दो तरह की स्कीम होती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और इन स्कीम में यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में एक रेशियो रहता है जिसमें यह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो स्कीम फॉर एफएमई विल ओनली बी एप्लीकेबल इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है। देखिए जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सब जगह पे ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। तो करेक्ट आंसर है ए, ओनली वन। तो वाई इन न्यूज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है, पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो गई। देर आर अबाउट 25 लाख अनरजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो अराउंड 98% ऑफ सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। दे आर अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर, तो सबको यहाँ पर कवर किया जाता है। और स्कीम के तहत देखिए जो भी सपोर्ट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को दिया जा सकता है वो इनको दिया जाएगा। स्कीम विल हैव एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का आउटले रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ये 60-40 के रेशियो में बटेगा। और इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर ए 5-year पीरियड, 5 साल के पीरियड में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इट एनविजेजेज इंक्रीज्ड एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट इसका मेन रोल है कि क्रेडिट यहाँ पर जो भी माइक्रो सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको एक्सेसिबल हो। इट विल हेल्प इन बेटर इंटीग्रेशन विद द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उनके साथ बेटर इंटीग्रेशन हो। इंक्रीज्ड एक्सेस टू कॉमन सर्विसेज जैसे सोर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फार्मर्स की इनकम भी डबल होगी, एक तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सीधा सीधा सेल कर देते हैं, एक यहाँ पर वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमिटी IMEC, इट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, तो ये इसकी मेन मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटिंग बॉडी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान सभा ऐप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम्स अप। तो किसान सभा ऐप, द ऐप फैसिलिटेट्स फार्मर्स टू डिलीवर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशनल बायर, जो भी इंस्टीट्यूशनल बायर है डायरेक्टली उनको यहाँ पर प्रोडक्ट दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मर्स हैं और जो बायर हैं डायरेक्टली उनको इंटीग्रेट करने का काम ये किसान सभा ऐप कर रही है, तो जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट होगा, कम होगा, तो फार्मर को यहाँ पर इफेक्टिव रिटर्न मिल पाएगा। ऐप प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, ये भी सही है, तो दोनों बोथ वन एंड टू आर करेक्ट हियर। ओके नेक्स्ट, पुरंदर दास, पुरंदर दास, तो 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। तो पुरंदर दास इज नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, बिल्कुल सही बात है। ये शैवा पोर्ट नहीं है बल्कि कृष्णा, एक तरह से आप विष्णु पोर्ट इनको कह सकते हैं, कृष्णा के भक्त हैं। पुरंदर दास हैज कंप्लीटेड दासा साहित्य, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। तो पुरंदर दास के बारे में आप देखें, ही इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके तो आप इसे वैष्णव के रिलीजन के साथ जोड़ सकते हैं। Prior to his initiation to Haridasa tradition, इन्होंने यहाँ इनको श्री निवासा नायका कहा जाता था। देखिए अगर हम बात करें तो एक तो है हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक है कार्नेटिक। हिंदुस्तानी तो हो गया नॉर्दर्न इंडिया का, कार्नेटिक हो गया साउथ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ा ट्राइब,
तो थ्री स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। तो टोडा ट्राइब की अगर हम बात करें, इट इज एन एथनिक ग्रुप दैट लिव्स इन छत्तीसगढ़, बिल्कुल गलत, इट इज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो नीलगिरी हिल्स है वहां पर ये रहता है। अर्लियर फ्रेटर्नल पोलिंड्री, फ्रेटर्नल पोलिंड्री का मतलब क्या हो गया, पोलिंड्री जैसे पोलीगैमी होती है, पोलीगैमी में एक व्यक्ति काफी लेडीज के साथ शादी कर सकता है, वैसे पोलिंड्री हो गई जहां पर एक लेडी काफी लोगों के साथ शादी कर सकती है, काफी मेल्स के साथ। फ्रेटर्नल मतलब जो फैमिली है, परिवार है, उसी में ही शादी करना। तो ये पहले टोडा ट्राइब में बिल्कुल प्रैक्टिस में था। द टोडा लैंड्स, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज किया गया है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ओके, तो टोडा पीपल आर ए ड्रविडियन एथनिक ग्रुप जो यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स में रहते हैं तमिलनाडु में। इनके सेटलमेंट्स को कहा जाता है मूंड, एक तरह से जैसे हाफ बैरल, ये बैरल की शेप के होते हैं, उसको आप जैसे आधा काट लीजिए, जैसे डमरू है उसको आधा काट लीजिए, वो शेप हो गई। फ्रेटर्नल पोलिंड्री ये पहले यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनकी टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, UNRWA। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो यहाँ पर UNRWA की हम बात करें, इट इज ए सब्सिडियरी एजेंसी क्रिएटेड बाय UN टू प्रोवाइड द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। सब्सिडियरी एजेंसी है, बिल्कुल पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए है। और UNRWA इज ओनली UN एजेंसी डेडिकेटेड टू हेल्पिंग रिफ्यूजीज फ्रॉम ए स्पेसिफिक रीजन, दैट इज पैलेस्टीन। तो ये भी सही है, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ UNHCR। UNHCR एक सेपरेट बॉडी है, UNRWA एक सेपरेट बॉडी है, हालांकि दोनों ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। UNRWA पलिस्तीन के लिए हो गई और ये बाकी के एरियाज के लिए हो गई। तो करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली, ए। ओके, अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने इसके लिए $2 million इतने यहां पर कंट्रीब्यूट किए हैं। इसे 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था पलिस्तीन के जो भी रिफ्यूजीज हैं उनका टेक केयर करने के लिए। UNHCR से ये बिल्कुल सेपरेट है। इसके मेंबर्स कौन कौन है एक बार नजर डाल लेते हैं, बेल्जियम, इजिप्ट, फ्रांस, जापान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब यहाँ पर इसके मेंबर हो गए। G20, तो G20 के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो G20, इट इज ए ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 इंडिविजुअल कंट्रीज, 19 इंडिविजुअल कंट्रीज प्लस EU। रशिया इज नो लॉन्गर ए मेंबर, ये भी गलत है, रशिया अभी भी मेंबर है। तो 1 और 2 दोनों यहां पर गलत है, नेदर 1 nor 2, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर एक बार आप जो भी मेंबर्स उनका नाम देख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US एंड EU। ठीक है, ये सब कंट्रीज इसके मेंबर्स हो गए। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस,
तो इसके रिगार्डिंग थ्री स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इट इज ए वॉल्यूंट्री एसोसिएशन ऑफ 54 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। देखिए कॉमनवेल्थ का नाम यही है कि जो ब्रिटिश एम्पायर के पहले के पार्ट हो, लेकिन इस कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर की जो अलियर कंट्रीज है उसके अलावा दो कंट्रीज और है, ठीक है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। सिचुएटेड एट ऑस्ट्रेलिया सेक्रेटेरिएट, ये भी गलत है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। न्यूज में क्यों थी? अभी इसकी 32nd मीटिंग हुई थी हेल्थ मिनिस्टर्स की, और सेक्रेटेरिएट है लंदन यूके में, और रवांडा एंड मोजम्बिक ये दो भी यहां पर इसके पार्ट हैं जो पहले ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज नहीं थी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की हम बात करें, इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द WHO मेंबर्स टू वर्क टुगेदर फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। इट इज नॉट ए लीगली बाइंडिंग, ये गलत है। देखिए लीगली बाइंडिंग है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वन ओनली, ए। तो न्यूज में क्यों है? अभी COVID-19 में जो लैप्सेस थी उसकी वजह से ये मीटिंग हुई थी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन पे विचार किया गया था, इनके बारे में सोचा गया था कि इनमें क्या कमियां रही है जिसकी वजह से COVID-19 जैसी समस्याएं फिर सामने आई है। तो 2005 में इनको पब्लिश किया गया था एंड इट इज ए लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। वर्ल्ड लेवल पे एक कॉमन एटमोस्फियर क्रिएट हो सके, कोलेबोरेशन हो सके और प्रॉपर तरीके से COVID-19 जैसी सिचुएशन फिर से ना आए, इस पर विचार किया गया। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपन एकेडमी से जुड़ते हैं तो इस कोड को यूज करना ना भूलें। 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, मैं पर्सनली आपको मेंटर भी करूंगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। इन डेमो क्लासेस के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं अनअकैडमी पर किस तरह से पढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंगली आप अनअकैडमी पर प्लस और आइकोनिका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरी काफी फ्री स्पेशल डेमो क्लासेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। विष्णु अग्रवाल के नाम से मुझे सर्च कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा तो मेरी जितनी भी क्लासेज हैं वो आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी। अभी 30 जनवरी को रात को 9 बजे मेरी एक क्लास होने वाली है जिसमें मैं एथिक्स की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करूंगा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, प्लस एंड आइकोनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिनकी रिकॉर्डिंग्स को आप बाद में कितनी भी बार कभी भी देख सकते हैं। टेस्टरीज आपको मिल जाएगी। आइकोनिक में एक पर्सनल कोच आपको असाइन कर दिए जाएंगे और डेली बेसिस पे आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। जीएस प्लस की हम बात करें, काफी प्लान्स आपको दिए गए हैं। 1 ईयर और 2 ईयर्स के प्लान्स यहाँ पर बेस्ट माने जाते हैं। नाउ दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें इस कोड को यूज करना ना भूलें। इमीजिएटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ईएमआई का ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड आई विल आल्सो मेंटर यू। आइकोनिक में 3 प्लान्स आपको दिए गए हैं, अगर आपने इसका प्लान किया है तो जल्दी ही ज्वाइन कर ले क्योंकि इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है। 31 जनवरी से के बाद से इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अलग कर दिया गया है, जो स्टूडेंट सिर्फ ऑप्शनल लेना चाहते हैं वो इसके साथ जा सकते हैं। काफी चॉइसेस दी गई हैं। 1 ईयर का प्लान सबसे बेस्ट है। विष्णु कोड यूज करते ही 1 ईयर की प्राइस रहेगी 24,750। मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे पढ़ाने वाले 10 एजुकेटर्स हैं तो वो सारे आपको एक सब्सक्रिप्शन में ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। आप कॉम्बो प्लान के साथ भी जा सकते हैं, इसमें 2 ईयर्स का प्लान सबसे बेस्ट माना जाता है। अनअकैडमी कॉम्बैट एक फ्री इनिशिएटिव है जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगली क्विज 7 फरवरी को होने वाली है, अभी आप इसमें एनरोल हो जाइए ताकि समय पर आपको सूचना मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिस मिल जाए, मैसेज मिल जाए
एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज कोड विष्णु। और ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, फ्री क्वेस्ट है, लेकिन जो टॉप थ्री में आएंगे उनको यहाँ पर 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1st February से, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज कोड विष्णु व्हेनेवर यू ज्वाइन दी अनअकैडमी। सो आई विल वेट फॉर 1 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कोई डाउट कोई कैरी नहीं है।